व्यापार में हो रहा था घाटा, बैंक से लिया था लोन, मां बेटे ने की आत्महत्या। इटावा के एकदिल थाना क्षेत्र में मां और बेटे का घर में शव कमरे में बंद मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मणिकपुर मोड़ के पास चोरबरी साईं बाबा कॉलोनी के रहने वाले हरीश वर्मा की पत्नी सुमन देवी उम्र 55 साल और बेटे दीपक उर्फ दीपू 28 साल के शव उनके ही घर में बंद कमरे में पड़े मिले। कमरे का दरवाजा ना खोलने पर रिश्तेदारों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मामले में एएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि दोनों ने कोई जहरीला दवा का सेवन किया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह आत्महत्या है। मामले की जाँच अभी की जा रही है। इटावा से कुलदीप राजपूत की रिपोर्ट। परसों रात में एक सूचना मिलती है कि एक घर में दो लोगों की शव पड़ा हुआ है और उस पर जो है मेरे द्वारा सी यू सिटी को, एस पी सिटी को और सभी संबंधित अधिकारियों को बताया गया कि जरा देखें क्या मामला है। इस संबंध में जब मौके पर देखा गया तो ये सूचना के आधार पर उनके दामाद, जो यहीं पर उनकी बेटी की शादी हुई है, उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी और दरवाज़ा अंदर से बंद था। साथ ही साथ वहाँ पर कुछ टैबलेट्स मिले हैं जो कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि किसी जहरीले पदार्थ से बना हुआ टैबलेट है। वो वहाँ पर उनके मुंह से झाग निकला हुआ था तथा उनकी बॉडी जो है काली पड़ रही थी। साथ ही साथ कोई भी सामान जो था वहाँ पर, जो बिस्तर था या आसपास जो भी चीज़ें रखी हुई थी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था और इसके आधार पर यह प्रथम दृष्टया लगा कि इन्होंने आत्महत्या किया है और वही पाया गया। और जो उसका पोस्टमार्टम, बॉडी को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बिस्तर आया है और उस डॉक्टर साहब के द्वारा जो भी रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें भी बॉडी पर कोई चोटें नहीं हैं। और जो पूछताछ की गई है उस पर भी ये पता चला है कि उनके द्वारा उनके पिताजी की मृत्यु जो है, लड़का जो जो इसमें पीड़ित हुआ है या जिनकी उसकी माँ जो मरी है, वो उनके पति की मृत्यु जो है इसी जनवरी में भी हो गई थी। काफ़ी परेशान से थे और बिजनेस में काफ़ी घाटा चल रहा था और साथ ही साथ कुछ लोन भी ले रखे थे। ये जो अभी प्रथम दृष्टया जो सूचनाएँ आई हैं उसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि फ्रस्ट्रेशन में इस तरह के स्टेप उन परिवार द्वारा लिया गया है। निश्चित तौर से बहुत ही खेदजनक घटना है, फिर भी पुलिस इसमें जो भी विधिक